गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रह्लाद जी के वचनों से, भक्ति से, प्रेम से नृसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमको घबराने की कोई बात नहीं। जिस पीढ़ी में, जिस कुल में तुम्हारे जैसे सुपुत्र भगवान के भक्त पैदा होते हैं, उनके तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ समदर्शी तुम्हारे जैसे मेरे भक्त हो गए, वहाँ कोई अशुभ की वार्ता ही नहीं हो सकती। और जो जो लोग तुम्हारे अनुयायी हो गए, वही मेरे भक्त हो गए। इतना होने के बाद कहते हैं कि हालांकि मेरे स्पर्श से तुम्हारे पिता के देह की शुद्धि हो गई है, फिर भी अपने नियमों के अनुसार तुमको उनकी अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि यही संतान के लिए आवश्यक कर्म है। इसलिए तुम जा करके ये काम पूरा करो और फिर जैसा तुम्हारा राज्याभिषेक इत्यादि होगा, मुझ में मन लगा करके कार्य किया करो। इतना होने के बाद नारद जी कहते हैं कि प्रह्लाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि कर दी और ब्राह्मणों ने फिर उनका अभिषेक भी कर दिया। और इस प्रकार से सब होने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान नरसिंह जी की स्तुति करी कि आप सर्वांतर्यामी, सबको जीवन देने वाले और मेरे पिता हैं इत्यादि होने के बाद कहते हैं कि मैंने ही इसको ऐसा वर दिया था कि कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, और इसलिए बहुत ही घमंडी हो गया था। और उसके कारण तपस्या, योग और बल, इन तीनों का एकत्र होकर के वो इस शक्ति को सह नहीं सका। यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे फिर आगे जाएंगे। मनुष्य के जीवन में शक्ति के साथ साथ समझदारी होनी बड़ी आवश्यक है। पावर विदाउट विजडम बिकम्स अ लोड एंड बिकम्स अ कॉज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसलिए शक्ति को जीवन में धारण करना, लेकिन उसके साथ साथ यदि समझदारी ना हो, जैसे एक जगह कहते हैं वामन पंडित, अत्युच्ची परि थोर ही बिगड़तो, व्हेन द सन इज अप इन द स्काई इन द मॉर्निंग आवर्स, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो कितना प्रसन्न, शांत और बढ़िया लगता है, लेकिन वही सूरज जब धीरे धीरे ऊपर जाता है और जब सर पर चढ़ जाता है तो वही कष्टदायक हो जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने शक्तियों को हम जागृत करते हैं, उसके साथ साथ यदि अपने विवेक को और समझदारी को जागृत ना रखें, तो शिक्षा रहित दीक्षा कष्ट का कारण बनती है। तो जैसे हिरण्यकश्यपु ने बहुत तपस्या करी, बहुत शक्ति इकट्ठी की, लेकिन उसका समर्पण परमात्मा के सामने न होने के कारण वही उसके नाश का कारण बने। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तृ संत्रासात् मृत्योरपि जिघांसतः, कि हे भगवन्, आपका ये जो रूप है, इस रूप का जो ध्यान करेगा और उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, यहाँ तक के कि उसके जीवन में मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मृत्यु का भय नहीं रहेगा तात्पर्य ये नहीं कि उसको मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु तो सभी को आनी है। हम लोग मरते हैं मृत्यु के भय से, मृत्यु से नहीं मरते। इतना होने के बाद नरसिंह भगवान ने कहा, ठीक है बहुत हो गया, माँ एवं वराहा असुराणाम ते प्रदेह पद्मसंभव, हे पद्मसंभव, हे ब्रह्मा जी, ऐसे गलत सलत वर मत दिया करो लोगों को, और फिर परेशान लोग भी और मैं भी। तो
वराहा क्रूर निसर्गाणाम अहि नाम अमृतम यथा। जिस प्रकार से अहि माने सांप, सांप को यदि अमृत भी पिला दिया तो वह जहर ही हो जाता है, इसी प्रकार से दुष्ट पुरुषों को अच्छा वर इत्यादि देना कभी भी फलदायक नहीं होता, तो संभाल के रहो। इतना होने के बाद भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और फिर प्रहलाद जी ने ब्रह्मा जी शंकर जी जो भी थे वहां उनकी पूजा अर्चा की, नमस्कार किया और उन सभी लोगों ने प्रहलाद जी को दैत्यों के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया और उनको आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। इस प्रकार से ये प्रसंग कहां से प्रारंभ हुआ, वहां से प्रारंभ हुआ कि जब शिशुपाल ने अनेक प्रकार की गालियां भगवान को दी फिर भी वो भगवान में समा गया था, तो ये कैसे संभव है, ये प्रश्न पूछा गया था और उसके उत्तर में युधिष्ठिर और नारद जी इसके संवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी प्रक्रिया को अब समापन की ओर ले जाते हुए नारद जी कहते हैं कि एवं तौ पार्षदौ विष्णोः पुत्रस्त्वं प्रापितौ दितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतौ पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभुक्तुः कुंभकर्ण दशग्रीवौ हतौ तौ रामविक्रमैः शयानौ युधि निर्भिन्न हृदयौ रामसायकैः तच्चित्तौ जहतु हृदेहं यथा प्राक्तन जन्मनि ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपाल करोजशौ हरौ वैरानुबंधेन पश्यस्ते समीयतुः। भगवान के जो दो पार्षद थे जय और विजय, उनको जो शाप मिला था विप्रो का, उसके कारण ये दैत्य कुल में उत्पन्न हो गए थे और भगवान से वैर रखते थे और उस वैर के कारण ही भगवान ने अवतार लेकर के उनको मार दिया था। तो पहले तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए, उसके बाद उनको मारने के बाद फिर उनकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि उनको विप्रो के साधु संतों का शाप था कि तुम 3 जन्म तक इस असुर योनि में रहोगे, इसीलिए विप्र शाप को स्वीकृत करने के लिए उनका आदर करने के लिए फिर उनका जन्म हुआ कुंभकर्ण और रावण के रूप में, फिर वहां भगवान का अवतार लेना पड़ा और रामचंद्र जी के रूप में उनका नाश कर दिया और फिर तीसरे बार उनका जन्म हुआ यहाँ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो इस प्रकार से जितने भी लोगों ने भगवान कृष्ण से शत्रुता करी अंत समय में वो भगवान को याद रख सके। महात्म्य इस बात का नहीं है कि आप शत्रु हो कि मित्र हो, महात्म्य ये है कि आप भगवान को याद करते हो या नहीं। भगवान की स्मृति किसी भी प्रकार से मन में रहे, यही अपने जीवन में बहुत महत्व की बात है, उसी के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है। तो इतने जितने भी ये शिशुपाल इत्यादि लोग थे, राजा लोग, भगवान के वैरी, वो भी सारूप्य को प्राप्त हो गए। तो तुमने जो पूछा था हे युधिष्ठिर कि आख्यातम सर्वमेतत्ते जन्माम त्वम परिपृष्टवान, तुमने जो पूछा था कि शिशुपाल का ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने तुमको बता दिया है। अब यह जो भगवान का नरसिंह अवतार, प्रहलाद जी का चरित्र, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, संसार की सृष्टि, स्थिति, प्रलय, उसके बाद भगवान के अनेक दिव्य गुण और लीलाओं का वर्णन और किस प्रकार से यह सृष्टि काल के प्रभाव से परिवर्तन होती रहती है, इसका पूरा का पूरा वर्णन हमने किया है। और जो इस चरित्र को मन से पढ़ता है, मन लगाकर चिंतन करता है, वह भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह फलश्रुति हर एक बार बताने का मूल तात्पर्य ये है कि जब तक हमको मालूम नहीं किसके द्वारा क्या होगा, कई बार ऐसे विचार लोग पूछते हैं कि ठीक है प्रहलाद जी बड़े ग्रेट थे, सो व्हाट, तो उसमें बाकी की जो चीजें बताई है, प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश, उस उपदेशों को हम अपने हृदय में धारण करें, क्यों, हम कौन से सुर है,
तो ये जो असुर बालकों को जो उपदेश किया है, उस असुर बालकों के स्थान पर अपने आप को पकड़ लो, बड़ी आसान बात है। स्वयं को असुर मानने में कोई कठिनाई नहीं है, वैसे है ही हम लोग। इस प्रकार से इसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और फिर भगवान के स्वरूप की बात बताते हैं नारद जी युधिष्ठिर को कि देखो, यूजम नृलो के बत भूरी भागा लोकम पुनाना मुनयो भी अंती ईशाम गृहाना वसती साक्षात गूढ़ परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान आकर के तुम्हारे घर में रहते हैं, और जिनको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे ही प्रिय सुहृद खलु मातुले यहाँ तुम्हारे ही भाई है, और आत्मा हणियो विधि कृत गुरुश्च, और तुम्हारी सब चीजें मानते हैं और गुरु स्थान पर भी है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। और यही भगवान श्री कृष्ण एक बार शिव जी को मदद करके उनकी उन्होंने बड़ी रक्षा करी थी, क्योंकि यह जो एक मायावी मय असुर था उसने शिव जी की कीर्ति को कलंक लगाने का प्रयत्न किया था। ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ और वंदनीय है। ऐसी जब बात कही तो तुरंत प्रश्न आया बाय डिफॉल्ट। ये चीज मैंने देखी है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग उनको प्रश्न आते ही नहीं मन में, शांत रहते। ऐसे एक को मैं जानता हूं, तो मैंने उस अम्मा से पूछा, जवान ही है, बूढ़ी नहीं है, शी मस्ट बी अराउंड 30, और कभी बोलती नहीं, शांत रहती, घंटे भर दो घंटे दिन भर रहेगी हमारे साथ, बोलेगी कुछ नहीं, शांत। तो हमने पूछा कि तुमको कभी मन में कुछ बोलने की इच्छा होती नहीं क्या? बोले नहीं, मैं मन में कोई विचार नहीं आते, बोले कुछ नहीं आते। देखो कितनी सुंदर स्थिति है, जगत को देखो, बस देख लिया, अब पूछना क्या है? जहां दर्शन के बाद प्रश्न नहीं उठते, वहां हमारा जो व्यक्तित्व है वो अभी हमको कष्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं खुली आंख की समाधि। जगत में प्रश्न पूछने जैसी कोई बात नहीं है, ऐसा है ऐसा है, एक एक्सट्रीम। दूसरा एक्सट्रीम, एक भी छोटी सी बात हो उसके बाद 365 क्वेश्चंस पर सेकंड, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। तो ये जो बहुत प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना, मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। दो चीजों से मैं परेशान हूं जीवन में, यदि हूं तो प्रश्न पूछने वालों से, और जो जोक के बाद हंसते नहीं उनसे। इतना सारा मेहनत किया हुआ पानी में चला जाता है नारायण। तो जब भगवान कृष्ण की ऐसे यश की गाथा उन्होंने कही तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कस्मिन कर्मणि देवस्य मया अजहद गीदशु और यथा चोपचिता कीर्ति ही कृष्णे नानेन कथ्यताम। ये बताइए कि यह जो दानव था, मैं दानव, इसने जगदीश्वर रुद्र का या शिव जी का यश कैसे नष्ट करना चाह रहा, क्यों नष्ट करना चाहा, और भगवान ने कैसे उसकी मदद करी, ये मुझे बताइए। इससे क्या होगा? फिर भगवान के बारे में कथा श्रवण चिंतन होगा, जिसके द्वारा ऐसे देखो इस प्रकार से, जब हमको किसी से प्रेम होता है ना, तब उसके बारे में बोलना सुनना इसमें आनंद आता है। एक इसका हम उदाहरण देते हैं, लेकिन ये उदाहरण प्रेम का नहीं है, ये उदाहरण आसक्ति का है। तो गलती मत कर बैठना कि आसक्ति को प्रेम मान के बैठना। कैसे? जब समझो अभी हम कल गए थे कहीं, तो वहां एक छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारा, कृष्णा उसका नाम, और वो हमारे साथ बैठा खाना खाने के लिए, और बाकायदा सिस्टमेटिकली साउथ इंडियन स्टाइल खाना खा रहा, छोटा सा है, तो वो खाना खा रहा है, सब कुछ ठीक है, अब बच्चा है खाना खाता ही है। लेकिन दूसरे जो बाकी के जो बड़े लोग थे, जब उसके बारे में बात कर रहा था, तो जो
दूसरे हैं उनको अपने बच्चे की याद आ जाती है या अपने पोतों की याद आ जाती है। माने जगत के किसी भी वस्तु को देख करके जिसकी हमको याद आती है वह हमारा प्रेमास्पद है, उसके प्रति हमारा प्रेम है और फिर उसके बारे में फिर हम बोलना सुनना चाहेंगे। उसी प्रकार से जगत के प्रत्येक घटना में भगवान कैसे है, ये जो अपने विचार की धारा है उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए जब कहा कि भगवान कृष्ण ने शिव जी के कीर्ति को संभाल के रखा तो कैसे हुआ पूछा, तो एक बार ऐसा हुआ, नारद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके सभी देवताओं ने असुरों को जीत लिया, तो ये सभी असुर लोग उनके जो परम गुरु मय दानव थे उनके शरण में गए। यही मय था जिसने मय सभा बनाई थी पांडवों के लिए और जिसमें जाकर के हमारे दुर्योधन महाराज गिर पड़े थे, और जब वो गिर पड़े थे तो ये द्रौपदी महारानी उनको हंस पड़ी और कड़वे शब्दों में कहा, अंधे के बच्चे से और क्या अपेक्षा है, कुछ जरूरत थी। रामायण का भी ऐसा ही हुआ, महाभारत का भी ऐसा ही हुआ, अनावश्यक बोलने से सब परेशानी शुरू हो जाती। समझो वो गिर गया तो चुप रहो ना, चुप रहेंगे तो फिर स्त्री कैसी है, नारायण मुझे मारना मत श्री कृष्ण। तो यह जो मय दानव था उसके शरण में चले गए। तो स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमी रौप्या वसी विभुः दुर्लक्षा पास है योगा। उसने तीन प्रकार के विमान बनाए, सोना चांदी और लोहे के, और उसमें तीन जैसे वो तीन महल जैसे ही थे, सभी प्रकार की सामग्रियां थी उसमें, और उसके द्वारा वो अदृश्य रूप से रहते थे और असुर उसमें रह करके देवताओं पर हमेशा आक्रमण करके उनको परेशान करते थे। ऐसा जब हुआ तो सभी देवताओं ने शिव जी की प्रार्थना करी और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर लूंगा। उन्होंने धनुष बाण उठा करके इन तीन पुरों को मारने का प्रयत्न शुरू कर दिया और तीनों पुरों में रहने वाले असुरों को मार दिया। तो ये मय दानव ने क्या किया, उनको ले गए और उसके पास एक अमृत का बहुत कुआं था, सभी में इन असुरों को डाल दिया, फिर उनको जिलाया और उसके बाद फिर ये लोग जब परेशान करने के लिए फिर देवताओं पर टूट पड़े तो महादेव जी ने शिव जी ने फिर सोचा कि क्या किया जाए, फिर भगवान की प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु उस समय माने भगवान श्री कृष्ण उस समय गाय और ब्रह्मा जी बछड़ा का रूप लेकर के उस अमृत कुंभ में चले गए, अमृत की वेल में, और सब उन्होंने पी लिया। और जब ये बात सभी असुरों ने मय को कही तो मय कहता है कि देखो भाई एक बात समझ लो, मनुष्य के जीवन में जो जो प्रारब्धवश आना है प्रत्येक जीव के जीवन में उसको कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने जीवन में आने वाले अच्छे बुरे प्रसंगों के साथ ऐसा रहे कि जिसके द्वारा और दूसरी कर्म की परंपरा प्राप्त ना हो, वहीं समाप्त हो जाए। जैसे कि जितनी भी शादियां होती है ना, उन शादियों में झगड़े नहीं हुए थे शादियां काहे की, और उसमें जो वर पक्ष वाले होते हैं वो अपने को बड़े स्मार्ट समझते हैं और जो कन्या पक्ष वाले होते हैं बेचारे परेशान रहते हैं। तो ऐसी ही एक शादी की बात है, शादी विधि हो गई लेकिन शादी के पहले लड़के ने कुछ कहा और लड़की के माँ बाप को, और फिर कुछ कुछ हो गया, शादी हो गई। अब उस लड़की ने मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी आई एम गोइंग टू टीच यू ए लेसन। हमने कहा कि अम्मा अभी अभी कल परसों दो दिन पहले तुम्हारी शादी हो गई और अभी से युद्ध छेड़ दिया, पहले उसको समझने का प्रयत्न करो कि किस कारण से हुआ क्या हुआ, और प्रेम से सब चीजों को निपटा डालो। जीवन में युद्ध को लेकर के जीवन नहीं चल सकता। स्वामी जी मुझे मालूम है आप ऐसे ही कहने वाले थे, आप तो हमेशा ही आदमियों की साइड लेते हो ना,
सबने कहा ठीक है, दूसरी तुमको बताता हूं कि आप अपने हाथ में हमेशा डंडा रखना, जब भी वो तुम्हारे सामने फटाफट से मारना उसको और फिर उसकी रहना। देखो जीवन में जो जो हमारे आना है उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं, हमको जीवन के प्रत्येक घटना को प्रारब्ध के अनुसार स्वीकार करके उसमें से ऐसे निकल जाना है कि अपने पर खरोच ना आवे और दूसरे को कष्ट ना होवे, यही तो जीवन की सफलता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत बड़ा हौला बना के रखते हैं और जीवन में अपने को दुखी दूसरे को दुखी बनाते हैं। इसीलिए एक बात बहुत महत्व की है, एक बूढ़े कपल को हम जानते, दोनों 80 के ऊपर है और उनका वार्तालाप सुनने जैसा है। अब जो पत्नी है उनको उनके पति तारीफ करते, स्वामी जी इसके सिवा मेरे साथ कोई नहीं रह सकता था। तो मैंने कहा अम्मा आप बोलो, बोले इनके आप मेरी तारीफ करने से क्या होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी उनके मन में पति के प्रति आदर है, बोले इन्हीं के कारण मैं भगवान की भक्त बनी और भगवान मेरे से बात करते हैं। तो मैंने बोला कैसे, बोले इनका ऐसा विचित्र स्वभाव कि दिन को 12 बजे कहेंगे कि चंद्रमा कैसा है चंद्रमुखी, तो मैं कहती थी कि अत्यंत शीतल और शांत है। मैंने कभी भी इनके किसी भी वचनों का विरोध नहीं किया और कुछ भी ना ये मुझे करने देते, ना कहीं बाहर जाना है, ना किसी से मिलना है, ना कुछ करना है, और उसके कारण ये हो गया कि मैं अपने आप अंतर्मुखी होती गई। बोलना तो है ही किसी से, फिर मैं घर के पेड़ पौधों से बोलने लग गई, फिर भगवान के विग्रह से बोलने लग गई, भगवान के चित्र से बोलने लग गई, और धीरे 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 इनके कारण, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, मुझे उन्होंने इतना अंतर्मुखी बना दिया। देखो इसको कहते हैं मनुष्य के जीवन की सुंदरता। गुरु कौन है जो हमको बहिर्मुखता से निवृत्त करके अंतर्मुखी बना दे, वो हमारा गुरु है। जो हमको और बहिर्मुखी बना दे वो महागुरु है, वो गुरु नहीं है। इसीलिए इस मैदानों ने कहा कि देखो अपने अपने जीवन में जो जो प्रारब्ध का विधान है उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो जो जो होना है वही होगा, उसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी के लिए रथ बनाया, और ये रथ का वर्णन फिर वहां आता है अपने तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। इसको धर्म का रथ कहा गया है, वहां इसी रथ पर बैठ करके फिर भगवान रामचंद्र जी ने युद्ध किया, ऐसा प्रसंग आता है। ये रथ क्या है, 66वां श्लोक है, धर्म ज्ञान विरक्ति धृति तपो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजम वाहन धर्म धनु वर्म शरादियत। ये धर्म रथ का वर्णन देखो कितना सुंदर है कि उन्होंने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान का सारथी बनाया, वैराग्य से ध्वजा बनाई, ऐश्वर्य से घोड़े बनाए, तपस्या से धनुष बनाया, विद्या से कवच बनाया, क्रिया से बाण बनाया, और बाकी अपनी जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं उनसे उन्होंने बाकी अन्य वस्तुओं का निर्माण किया, और फिर ऐसे रथ में बैठ करके फिर शिव जी ने जाकर के उस मैं दानव को नाश कर दिया, और इस प्रकार से भगवान को शिवजी को पुरारी नाम की पदवी प्राप्त हो गई कि उन्होंने उस त्रिपुरारी को उस तीन पुरों के निर्माण करने वालों को मार दिया था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है और वही अनेक प्रकार की लीलाएं करके हमारा मन उनमें लगा रहे, इसीलिए अनेक लीला के विग्रह धारण करते है। इसके साथ साथ यह 10वां अध्याय इस सप्तम स्कंध का पूर्ण हो गया। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह प्रहलाद जी का जब चरित्र सुना तो युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद हुआ, उन्होंने फिर नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर जी कहते हैं, भगवत श्रोतुम इच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचारयुतम यत् पुमान विन्दते परन
भवान प्रजापते साक्षात आत्मजः परमेष्टिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपो योग समाधिभिः नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणासाद वशांता त्वद्विधान तथा परे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भगवान, अब मैं वर्ण और आश्रम और मनुष्य के जो सनातन धर्म है उसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही मनुष्य ज्ञान, भगवान की भक्ति और भगवान को प्राप्त कर सकता है। और नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र है और उनके सबसे प्यारे पुत्र है, क्योंकि आप भगवान के बड़े परायण है, दयालु है, शांत है, और जिस प्रकार से आप इस तत्व को जानते हैं और कोई नहीं जानता, इसीलिए आप हमको बताइए। अब इसके बाद नारद जी, हम सब के लिए जो मानव धर्म है और वर्ण धर्म है, और उसके बाद स्त्री धर्म, गृहस्थों का धर्म, और फिर सन्यासियों का धर्म, फिर वानप्रस्थियों का धर्म, इस सभी के सभी धर्म का वर्णन इस सातवें स्कंध में बहुत सुंदर आया है। और ये सब बताने के बाद बताएंगे, इन सब के साथ यदि भागवत धर्म जुड़ जाए तो जीवन में एकदम आनंद और शांति आ जाती है। इसको बताने के पहले हम एक बात बता दें, मुख्य रूप से दो धर्म है, एक है सनातन धर्म और दूसरा है वर्णाश्रम धर्म। सनातन धर्म प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए है, उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख इत्यादि जो धर्म के नाम पर भेद है संप्रदाय के, उससे कोई मतलब नहीं। ये मानव धर्म या सनातन धर्म जिसको कहते हैं वो है, उसके लक्षण इसमें बताए हैं। दूसरा है वर्णाश्रम धर्म। इस सनातन धर्म में रहने वाले मनुष्य में ऐसे कोई मनुष्य होते हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म को स्वयं होकर के अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए, हम सब लोग मनुष्य हैं, और यदि हम में से, हम भारतीय हैं, यदि हम में से कोई लोग अमेरिका जाकर के सेटल होना चाहते हैं तो उनके ऊपर हमारा कोई ऑब्जेक्शन होने का सवाल ही नहीं, उनकी इच्छा है। और वहां जाने के बाद वो दाहिने बाजू से गाड़ी चलाएंगे और हम लोग हिंदुस्तान में बाएं साइड से गाड़ी चलाते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे देखो इंडियन होकर के दाहिने साइड से चलाता है? नहीं, उन्होंने वहां का जो धर्म है, नियम है, उनको स्वीकार किया है, तो उसके अनुसार वो अपने जीवन को चलावे, उसमें हमको ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। उसी प्रकार से सनातन धर्म, मानव धर्म में रहने वाले मनुष्यों में से यदि कोई कोई लोग अपने जीवन में वर्णाश्रम का आदर करते हैं, तो इसके लिए बाकी लोगों को ऑब्जेक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात जब समझ में नहीं आती है, तब हम लोग सोचते हैं कि यह जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, इसी के कारण हिंदू धर्म का सत्यानाश हुआ है, मानो ये सभी लोग इसका पालन करते हैं। तो यह शास्त्रीय बात समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अब इस धर्म का जो वर्णन है वो नारद जी कर रहे हैं। नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्मं नारायण मुखाश्रुतम्। भगवान को नमस्कार करके, जो सभी धर्मों का मूल कारण है और वही भगवान यो अवतीर्य आत्मना अंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे। जो दो थे, एक मूर्ति और दक्ष की पुत्री मूर्ति और धर्म, इनके संयोग से भगवान का एक नारायण अवतार हुआ था। इसी नर नारायण को लेकर के आगे उनका अवतार भगवान कृष्ण और अर्जुन के रूप में हुआ था। तो यह जो भगवान का नारायण अवतार था वो दक्ष की पुत्री मूर्ति पहले आ गया था, और धर्म इनके माध्यम से हुआ था। और उस समय वे बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे, और उसी नारायण भगवान को मैं नमस्कार करके अब ये सब बताने जा रहा हूं। जो लोग बद्रिकाश्रम गए हैं वहां उनको पता है, वहां दो पर्वत है, जिस पर्वत पर भगवान नारायण के मंदिर का स्थान है उसको कहते हैं नारायण पर्वत,
और जो अलकनंदा के इस साइड में है उसको कहते हैं नर पर्वत। तो यह जो नर नारायण है ये उसी भगवान का अवतार है। अब शुरू करते हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन ये न आत्मा प्रसीदति। हे युधिष्ठिर, सर्व वेद रूप भगवान श्री हरि है और उनका तत्व जानने वाले जितने भी महर्षि हैं उनको ही यह धर्म की प्राप्ति हो सकती है। तो धर्म क्या है? अब यहाँ से पहले मानव धर्म या सनातन धर्म का वर्णन करते हैं। इस मानव धर्म या सनातन धर्म में 33 बातें बताई है। ये जिनमें हो वो मानव धर्म का पालन कर रहा है। इसके लिए फिर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, इंडियन या नॉन इंडियन हो, इससे कोई मतलब नहीं। कौन सा है वो धर्म? सत्यम दया तपशौचम तिदिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष समदृक् सेवा ग्राम्ये हूपरमशनैः नृणाम विपर्ययेक्षा मौनमात्म विमर्शनम अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्थतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतराम नृषुपाण्डव श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महता गते सेवीज्यावनतीर्दास्यम सख्यम आत्म समर्पणम नृणाम परो नृणामयम परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः त्रिशल्लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। जिसके द्वारा भगवान संतुष्ट होते प्रसन्न होते हैं, यह 33 लक्षणों वाला जो धर्म है ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए है। इसके लिए स्त्री का, पुरुष का, जवान का, बूढ़े का, हिंदू का, अहिंदू का कोई भेद नहीं है, ये सब के लिए। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन माने हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म माने जो धर्म मनुष्य मात्र के हित के लिए है वह सनातन धर्म। और मनुष्य मात्र का हित इन गुणों से होता है। तो इसमें सत्य, अब हर एक की तो व्याख्या हम नहीं करेंगे, आप सब जानते हैं। सत्य जीवन में सत्य का आधार हो। सत्य का तात्पर्य है कि हमारे जीवन की गति परमात्मा की तरफ जा रही हो तो हम सत्य का पालन कर रहे हैं। हमारे जीवन की गति यदि प्रकृति जगत के द्वैत में नष्ट हो रही हो तो हमने असत्य का पालन किया है। सत्यम दया, दया के द्वारा व्यक्ति के जीवन में जो क्रूरता का भाव है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद तपस्या, तपस्या में जीवन में कष्ट सहने की क्षमता जागृत होती है। जो व्यक्ति जीवन में कष्ट नहीं सह सकता वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कष्ट सहना ये बहुत आवश्यक है, शारीरिक, भौतिक, मानसिक सभी प्रकार के। और जिन लोगों ने जीवन में कष्ट नहीं सहे वो थोड़े भी कष्ट हो जाए तो एकदम पागल हो जाते। उदाहरण आपको दे, एक हम सज्जन को जानते हैं, उनकी पत्नी अब नहीं रही, उनकी पत्नी जब से शादी हो गई मरते दम तक दुनिया का एक भी ऐसा रोग नहीं कि जो उनको विजिट नहीं करता था। उनका जो पर्स थी उस पर्स में इतनी सारी दवाइयां, और जाकर के जहां उतरी बैठेगी फट से पर्स उतारेगी, और उसको सब याद भी था, इतनी गोलियां, खाने से गोलियां ज्यादा खाती थी। और ऐसा एक नहीं दो नहीं, उन्होंने 30-40 साल तक अपने पति के साथ संसार किया। और उसके बाद एक दिन इतना सब होते हुए भी वो हमेशा प्रसन्न, हंसती, खेलती, तबीयत ठीक नहीं तो सोती रहती थी, थोड़ी ठीक हो फिर काम में लग जाती थी, लेकिन किसी से कोई कंप्लेन नहीं। कंप्लेन कब तक करेगा व्यक्ति, क्योंकि हर पुर्जा ढीला है। अच्छा, ऐसा होते होते एक दिन वो सुबह उठी, चाय पानी पिया और उसने कहा अपने हस्बैंड को कि मुझे जरा थकावट आ रही, मैं सोती हूँ। बोले ठीक है, सो जाओ, क्यों, रोज का यही डायलॉग था। वो गई सोई तो उठी ही नहीं। उसके बाद अब ये पतिदेव महाराज हमेशा हंसते खेलते, हा हा हू हू, जोक्स विद ह्यूमर एवरीवेयर, सब कुछ चलता था। जिस दिन से उनके पत्नी का स्वर्गवास हुआ उस दिन के बाद मानो इनकी आत्मशक्ति ही समाप्त हो गई। और उसी क्षण के बाद इतने पढ़े लिखे, इतने सक्सेसफुल,
इतने हजारों लोग उनके अगल बगल में, जैसे मिठाई के अगल बगल में मक्खियां आती है, ऐसे हमेशा उनके साथ रहने वाले। और वही व्यक्ति जीवन में कभी इतना भी उनको रोग नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा स्वस्थ से परिपूर्ण। लेकिन उनके पत्नी का अंत होने के पश्चात एकदम ऐसे क्रिपल हो गए कि उनको समझ में नहीं आता, उसी चीज को 25 बार दोहराते, कौन आया कौन गया कुछ समझ में नहीं। उसी बोल अपने बच्चों को कहेंगे, तुमने मुझे खाना दिया क्या? नहीं दिया ना, जब वो थी तो वो मुझे खाना ठीक से समय पर देती थी, वो असल में ये उनको देते थे क्योंकि वो बीमार रहती थी। लेकिन जहां उनके जीवन में थोड़ा कष्ट आया, एकदम पंचर गाड़ी। इसीलिए जीवन में तपस्या के माध्यम से कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए। जो व्यक्ति कष्ट नहीं सह सकता, वो जीवन में हमेशा दुखी रहेगा। तो यही है मनुष्य के जीवन का एक धर्म, तपस्या, शौच, शारीरिक स्वास्थ्य सफाई के साथ साथ मानसिक सफाई होनी चाहिए। मानसिक सफाई का एक ही तरीका है, मन में पवित्रता आ जाए। जैसे देह की पवित्रता आवश्यक है, उसी प्रकार से मन की पवित्रता आवश्यक है। और मन की पवित्रता कैसे आएगी? जब सबके प्रति हमारे मन में आदर की भावना हो, तब ऐसे मन को पवित्र मन कहते हैं। किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी दुर्भावना या अनादर का भाव निर्माण नहीं होना चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में कष्ट आएंगे तो उसका चिंता विलाप न करें, प्रतिकार न करें, सबको सह करके जीवन को हंसते खेलते चलाने की जो प्रक्रिया शक्ति है, उसको तितिक्षा कहते हैं। उसके बाद उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ है, हम अपने मन का हमेशा निरंतर निरीक्षण करते रहे, अपने मन की स्थिति क्या है। जब जगत में व्यवहार करते, जब लोगों से बात करते, जब जीवन में कभी सुख आते कभी दुख आते, कभी कोई अपना ही हमको धोखा दे के चले जाता है, तो उस समय अपने मन की स्थिति का अवलोकन करना ये बहुत बड़ी साधना है। जो व्यक्ति अपने इस मन के स्थिति को देखता है, वो मन के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और इसीलिए स्वाध्याय का एक ही अर्थ। दूसरा अर्थ है, जीवन में नित्य सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन होना एक अविभाज्य अंग होना चाहिए। उसके सिवा हमारा मन तत्व में, भगवान के गुणों में, तत्व के चिंतन में नहीं लगेगा। सरलता, जीवन में सरलता होवे। सरलता का अर्थ ये नहीं, फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस इज नॉट सरलता। अभी आपको एक बात बताऊं, एक किसी के घर में जा रहा था खाने के लिए, तो जो सज्जन मुझे ले आए थे वो अपने ससुर जी की बात बता रहे थे। बोले स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने कह दिया आई एम वेरी फ्रैंक, ऐसा कर डालू वेदर दे डू आर नॉट आई डोंट केयर, लेकिन मैंने बता दिया। हमने कहा प्रभु आपने कहा तो ठीक ही है, लेकिन एक बात सोचो, उस ससुर पर पहला अधिकार तुम्हारे पत्नी का है, फिर तुम्हारा है। हाँ ये तो बात ठीक है। अब वो अपने बाप को हॉस्पिटल से निकाल करके घर में ले आकर के मरने दे कि हॉस्पिटल में मरने दे, ये निर्णय आपकी पत्नी का होना चाहिए। और यहां आपको अपने विचार बताने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने ओपिनियन होने के बाद भी वो बताने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि आप बताओगे और उसके द्वारा वो कहेगी ठीक है आप कहते तो ले आते, और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिंदगी भर वही चीज खटकती रहेगी, वो हमेशा ताना देती रहेगी आप ही के कारण ऐसा हुआ। तो अनावश्यक बातों में निर्णय लेने का जो हमारा स्वभाव है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो ये आप जो कहते हैं ना कि मैंने फ्रैंकली बता दिया आई डोंट केयर, ये फ्रैंकनेस नहीं है, ये सरलता नहीं है, ये मूर्खता है।
इसीलिए कई बार सरलता का अर्थ हम इस प्रकार से करते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन वी शुड टॉक नॉनसेंस. तो सरलता, संतोष, जीवन में संतोष अत्यंत आवश्यक है. जिसके जीवन में संतोष है उसको किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं होते. संतोष सभी निष्कामता की पराकाष्ठा है, निरपेक्षता की अवधि है. इसलिए जितना हमारे अंतकरण में संतोष रहेगा मन शांत रहेगा. समदर्शी, सबके प्रति समानता की भावना. समानता की भावना का तात्पर्य है, हमने ये आपको पिछले बार बताया था शायद, परसेप्शन शुड नॉट बी फॉलोड बाय प्रोजेक्शन. तब जाकर के हमारे मन में समत्व की सिद्धि होगी, अन्यथा हर चीज को व्यक्ति को देखने के बाद टीका टिप्पणी, उसके प्रति राग द्वेष, मन में काम क्रोध, तो ये हमारे मन के समता को नष्ट कर देता है. फिर महात्माओं की सेवा करें और धीरे धीरे संसारों की अनेक प्रकार की जो प्रवृत्तियां है उससे अपने आप को निवृत्त करें, और उसके बाद मौन का जीवन में अधिष्ठान होना चाहिए. आत्मचिंतन करें और सबके प्रति प्रेम की भावना, किसी को भी अन्न दान देने में आगे पीछे ना करें, और सभी मनुष्यों में अपने ही इष्ट परमात्मा है ऐसा सोच करके उनके प्रति आदर करें. भगवान के लीला गुण श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा पूजा नमस्कार इत्यादि करते रहे. उनके प्रति दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण, ये जो 30 प्रकार के आचरण है यही मनुष्य का परम धर्म है. देखो इसमें ये नहीं कहा कि ये ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, सबके लिए सामान्य है. और ये सामान्य धर्म हमारे में आने के पश्चात फिर दूसरी स्टेज आती है, वर्णाश्रम धर्म. वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या हो गया? हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्. गुण और कर्म के विभाग को मध्य में रखते हुए हमने इस मनुष्य मात्र का 4 भागों में वर्गीकरण किया है, और वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. अब ये 4 कौन है? जो सत्वगुण ज्ञान प्रधान है उसको कहेंगे ब्राह्मण, और जो रजोगुण प्रधान है लेकिन उसका जो रजोगुण है वो सबके लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, इसीलिए रजोगुण के साथ साथ सत्वगुण की भी उसमें काफी मात्रा है, तो ऐसे व्यक्तित्व को क्षत्रिय व्यक्तित्व कहते हैं. तीसरा व्यक्तित्व है वैश्य व्यक्तित्व, जिसमें रजोगुण का प्राधान्य है लेकिन स्वार्थ का भी प्राधान्य है, उसमें सबका भला हो ये भावना कम है, तो ऐसे रजोगुणी जो लोग हैं उनको वैश्य कहा जाता है. और जो चौथे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनमें ना तो सत्वगुण की ज्ञान की प्रतिष्ठा है, ना तो रजोगुण की मेहनत की प्रतिष्ठा है, आलस में रह करके जीवन में सब कुछ मिलना चाहिए. ऐसे जो शूद्र है, छोटी छोटी बातों पर रोने वाले, उनको शूद्र कहते हैं. अब ये 3 गुणों के अनुसार मनुष्य मात्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया है. यदि वर्गीकरण हम किसका करते हैं तो वो द्वेष थोड़ी है. यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस वर्णाश्रम को लेकर के, वर्ण की ये जो प्रणाली जो शास्त्रों में, इसको लेकर के एक दूसरों के प्रति अनादर और द्वेष का भाव निर्माण करने वाले हमारे शास्त्र नहीं है. ये तो अपने राजनीतिक साधु संत जो है ना, उन्होंने अपने रोटियों पर घी लेने के लिए ये सब बड़बड़ा बना के रखा है. यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसका योग्य प्रकार से निर्णय किसी ने लिया है तो केवल हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने. उनके संप्रदाय में किसी प्रकार का भेद नहीं है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, सभी के सभी वैष्णव इस भागवत धर्म का आधार लेकर के भगवान के भक्त बने हैं. तो यह जो वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करने के पहले हमको मनुष्य होना आवश्यक है.
जब तक के मनुष्य नहीं बनेंगे और ब्राह्मण बन करके रहेंगे, मनुष्य नहीं बनेंगे क्षत्रिय बन करके रहेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ना अपना भला कर सकता है ना दूसरे का। तो यह जो 30 गुण यहां बताए हैं, इन 30 गुणों के द्वारा राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति, जिसके द्वारा यह सर्वात्मा भगवान संतुष्ट होते हैं। अब इन 30 गुणों का एक ही हम एक वाक्य में बताएंगे। इन 30 गुणों का अपने जीवन में आना माने हमारे माध्यम से परमात्मा के अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना होए। हमारे माध्यम से जीवात्मा अभिव्यक्त हो रहा है कि परमात्मा, जो परिच्छिन्नता की दृष्टि रख करके स्वार्थ से प्रेरित होकर के राग द्वेष के प्रभाव में आकर के जो अभिव्यक्ति है वह जीवात्मा की अभिव्यक्ति है। और जिस अभिव्यक्ति में सत चित और आनंद इन तीनों की पूरी खुली है, स्वयं जिएंगे दूसरों को जीने देंगे, स्वयं धोखा नहीं खाएंगे दूसरों को धोखा नहीं देंगे, ज्ञान का आदर, और तीसरी स्वयं आनंद में रहेंगे दूसरों को दुखी नहीं करेंगे, ये जो अभिव्यक्ति है उसमें कहते ये 30 के 30 गुण आ गए हैं। तो इसके पश्चात कहते हैं अब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है इसके दो प्रकार के निर्णय शास्त्रों में दिए हैं। एक तो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है और दूसरा व्यक्ति अपने गुण और कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। इन दो प्रकार के विभागों में जो गुणों से और कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है वह आदरणीय है, और जो केवल जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है वह आदरणीय नहीं है। इसीलिए कोई समझो शूद्र घर में उत्पन्न हुआ हो, शूद्र माता शूद्र पिता, लेकिन उसका कर्म और ज्ञान और उसके जीवन एकदम ब्राह्मण के जैसे है, माने ब्राह्मण के धर्म के अनुसार है, तो वह भी ब्राह्मण के ही लाइन में बैठने के योग्य है। और कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है लेकिन उसका व्यवहार अत्यंत तुच्छ है तो उसको ब्राह्मण कहकर के आदर देने की आवश्यकता नहीं हमारे जीवन में। इसीलिए यहां भगवान बताते हैं कि यह दो प्रकार के ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णन आते हैं। तो पहला जो जन्म से है उसके बारे में बताते हैं। संस्कारा यद विच्छिन्ना सद्विजो अजो जगादयम, जिसके जो ऐसे वंश में पैदा हुआ है कि जिस वंश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन प्रकार के धर्म हमेशा परंपरा से अनेक पीढ़ियों में चलते जा रहे, जैसे माता पिता ब्राह्मण, उन दोनों के भी माता पिता ब्राह्मण, उन दोनों के भी माता पिता ब्राह्मण, ऐसे अनेक पीढ़ियों से यह जो ब्राह्मण संस्कारों के जो परंपरा चल रही है ऐसे घर में जो पैदा होते हैं उनको द्विज कहते हैं। द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया है। संस्कारा द्विज उच्चते, एक जगह श्लोक आता है जन्मना जायते शूद्रहा संस्कारा द्विज उच्चते वेदाभ्यासी भवे विप्रहा और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से हम सभी शूद्र है, संस्कार ही न है, ये भी मालूम नहीं होता कैसे खाए, बाएं हाथ से खाए कि दाहिने हाथ से खाए, कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन वही फिर संस्कार के द्वारा फिर हमारा दूसरा जन्म, द्विज माने दूसरे बार पैदा होना, दूसरा हमारा जन्म होता है और फिर उसमें हमको अनेक संस्कार दिए जाते हैं कि बड़ों के सामने कैसे बोलना, किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करना, कैसे अपने मन को नियंत्रित रखना, कौन सी चीजों को खाना नहीं खाना, इस सभी की सभी बातें संस्कार के द्वारा जो हमारा दूसरा जन्म है उसको कहते द्विज। उसके बाद यह जो संस्कारित व्यक्ति है उसको फिर शास्त्रों का अध्ययन करने की क्षमता और अधिकार है,
अनधिकार व्यक्ति को यदि शास्त्रों का अध्ययन करने को बताएंगे तो वो उसमें से अपने मर्जी के अनुसार अर्थ निकालेगा और शास्त्र का अनर्थ करेगा। और इसीलिए जब तक के हम सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तब तक के इसके अध्ययन के द्वारा हम अपना ही नुकसान करते हैं। और शास्त्र का अध्ययन करने वाले को विप्र कहते हैं। और इसके अध्ययन के बाद जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ये प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह वर्ण का विभाग और ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी यह आश्रम का विभाग और दोनों को मिलाकर के वर्ण आश्रम विभाग हमारे समाज में प्रस्थापित है। तो यह वर्णाश्रम के द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रण में रखते हैं और जीवन को जब नियंत्रण में रखेंगे तभी हम मनुष्य कहलाने वाले हैं। यदि हमारे जीवन में नियंत्रण नहीं होगा स्वयं के द्वारा स्वीकृत तो फिर हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाएगा। और इसीलिए इस वर्णाश्रम व्यवस्था का महात्म्य है। अच्छी बात, लेकिन हम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे क्यों मानते हैं, आपको क्या पड़ी है? Why you should object? एक बार हम किसी बंगाली घर में खाना खा रहे हैं और वो अम्मा हमको बढ़िया खाना बना के खिला रहे हैं। उतने में उनका लड़का हमारे टेबल पर आके बैठा। बंगाली का घर माने वहां फिश और मीट होना जरूरी है। तो वो अपने थाली में ले आकर के बैठा और उसकी माँ को बड़ा दुख हो गया। तो तुमको कितनी बार बताया कि यहां मत आओ लेकर के, स्वामी जी बैठे। बोले सो वॉट। तो हमने कहा अम्मा तुम शांत रहो, बैठो बेटा बैठो। वो हमारे साथ बैठा और वो फिश और सब खा रहा था। तो फिर उसने कहा स्वामी जी व्हाई डोंट यू ईट। तो हमने कहा प्रभु हमने तुमको पूछा क्या कि तुम केवल घास क्यों नहीं खाते? ले नहीं तो आप फिर हमको क्यों पूछते हो? जब हम आपके खाने में दखल नहीं ले रहे तो आपको हमारे खाने में दखल लेने की क्या बात है? इसीलिए तुम मांस खा के खुश रहो, हम घास खा के खुश रहते हैं। सवाल क्या खाते हो उसका नहीं है, सवाल खुश रहते हो कि नहीं इसका है। स्वामी जी यू आर डैम इंटेलिजेंट गाय। देखो महत्व की बात ये है, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में वर्णाश्रम के धर्म का पालन करता है तो उसको करने दो, लेकिन हम नहीं करते तो मत करो। झगड़ा है कहां? झगड़ा तब हो जाता है कि जब हम अपने विचार दूसरों पर लादने का प्रयत्न करते हैं तब जीवन में कष्ट और भेद और वैर भाव निर्माण हो जाता है। ये जब समझ में नहीं आता तो हम एकदम थोड़ा बहुत बोलना क्या आ गया, दो चार लोग इकट्ठे क्या हो गए, धर्म शास्त्र को अपने हाथ में लेकर के हम कहते हम धर्म की रक्षा करेंगे अपनी मर्जी के अनुसार। ये गलत बात है। अच्छा भगवान, अब ये ब्राह्मण के लक्षण या धर्म बताते हैं कि इज्जाध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम जन्म कर्मावदातानाम क्रियाश्चाश्रम चोदिताः। तो जो जो संस्कार हमारे कुल में है जहां हम पैदा हुए हैं उस जन्म के और कर्म के अनुसार हमको यज्ञ अध्ययन दान ब्रह्मचर्य और अपने अपने आश्रमों का कर्मों का विधान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों के लिए क्या है कि अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना यज्ञ करना और यज्ञ कराना ये छह ब्राह्मणों के कर्म है। उसके बाद क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड या जुर्माना के द्वारा हो सकता है क्योंकि वह राजा बनकर के सबका पालन पोषण करने वाला है। वैश्य के लिए बताते हैं कि वैश्य को हमेशा ब्राह्मण वंश का अनुयायी होकर के रहना चाहिए,
तब जाकर के वैश्य के जीवन में जो धन प्राप्ति में कुछ त्रुटि इत्यादि आ गई है तो वह ब्राह्मण की सेवा करके वो अपने आप को उससे छुड़ा सकता है। उसी प्रकार से गोरक्षा, कृषि, वाणिज्य इत्यादि के द्वारा अपनी जीवन जीविका चलानी चाहिए। और शूद्र जो है उनको इन तीनों की सेवा करके सेवा के द्वारा अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो यह चार धर्मों के वर्णाश्रम के अनुसार यह चार धर्म बता दिए गए। अच्छा, उसके बाद और विस्तार से आया है, आप लोग पढ़ लेना। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में ये बाहरी धर्म है। बाहरी धर्म बाहर के जगत में व्यवहार के लिए आवश्यक है। जब ऐसे समझ लो, एक घर में समझो चार बच्चे हैं और इन चार बच्चों का आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। ये जो हमारा पहला लड़का है ना, ये आईएएस है। आईएएस मालूम है ना आपको? आई एम सॉरी, तो वो आईएएस है, इसीलिए वो गलती करते जाएंगे, फिर माफी मांगते जाएंगे, दुनिया का सत्यानाश करते जाएंगे। तो ये हमारे आईएएस पुत्र है, बहुत बढ़िया है जी। और ये जो हमारे नंबर दो के बच्चे हैं ना, ये पॉलिटिशियन है। अच्छा जी। और ये हमारे जो नंबर तीन के बच्चे हैं ना, इनका अपना बिजनेस है। बहुत अच्छा जी। और ये हमारे जो नंबर चार के बच्चे हैं ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये चार बातें जब बताई, तो क्या किसी को आईएएस कह करके या पॉलिटिशियन कह करके या इंडस्ट्रियलिस्ट कह करके या गवर्नमेंट सर्वेंट कह करके क्या इनका अपमान किया है क्या? जो जैसा है उसको वैसे बताया। जैसे इसको आंख कहते हैं और आंखों के द्वारा केवल रूप रंग का ही दर्शन होगा, शब्दों का नहीं होगा, तो क्या ये दुराग्रह है क्या? ये सत्य का प्रतिपादन है। लेकिन ये न जान करके हम ऐसी भयानक चीजें लोगों के मन में डाल देते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके द्वारा हमारे समाज का सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं। इसलिए बाबा, अपने बाहर के व्यवहार जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन हमारा अंतकरण की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं कि शमोदमस तपस्यौचम संतोष क्षांतिरार्जवम ज्ञानम दया च्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। जीवन में शम माने मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, तपस्या कष्ट सहने की क्षमता, शौच पवित्रता, संतोष हमेशा कंटेंटमेंट, उसके बाद क्षमा सबको माफ करना, सरलता, जीवन में सहजता आनी चाहिए, ज्ञान के प्रति आदर, सबके प्रति दया, भगवान के लिए जीवन जीना, सत्य के लिए जीवन जीना, ये ब्राह्मण के लक्षण है। तो ये कार्य जो भी कर रहा हो वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो गया हो। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है उसके लक्षण बताते हैं, शौर्यम, वीर्यम, धृति, तेजस, त्याग, आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसादश्च, रक्षा च, क्षत्र लक्षणम। क्षत्रियों के लक्षण ये है कि युद्ध में उत्साह हो, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण है। उसके बाद आगे बताते हैं कि देवता, गुरु, भगवान के प्रति भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, इन सभी पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता, व्यवहारिक निपुणता, ये वैश्य के लक्षण है। और शूद्र से सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्रो यस्तेयम सत्यम गोविप्र रक्षणम। और जो शूद्र है उनके लिए सभी के प्रति विनम्र भाव से रहना, पवित्रता से रहना, सबकी निष्कपटता से सेवा करना और चोरी इत्यादि नहीं करना और सभी के प्रति आदर करके सबकी रक्षा करना, ये शूद्र के लक्षण है। तो ये जो जो लक्षण बताए हैं वो हमारी क्षमता है। जैसे दो प्रकार के प्रवचन करने वाले होते हैं, एक जो बोल करके करते हैं और दूसरे गा करके करते हैं। तो अपनी अपनी क्षमता है। तो कोई समझो संगीत के साथ प्रवचन कर रहा हो और कोई केवल बोल करके प्रवचन कर रहा हो, तो जब इन दोनों का वर्णन होगा
तो इस वर्णन में ये नहीं कहा कहीं कि कोई श्रेष्ठ है कोई कनिष्ठ है। उसी प्रकार से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यदि हम ज्ञान प्रधान है और उसके अनुसार जीवन को चलाए तो ब्राह्मण, यदि हम कर्म प्रधान है और सबका भला करने के लिए कर रहे हैं तो क्षत्रिय, यदि हम कर्म प्रधान है लेकिन अभी हम में से स्वार्थ पूरा निकल नहीं गया तो हम वैश्य है, और यदि हम सेवा प्रधान है क्योंकि हम अपने बुद्धि से ना तो कुछ सोच सकते हैं ना तो हिम्मत करके नया कोई कार्य स्टार्ट कर सकते हैं ना तो किसी प्रकार के अनेक उद्यम करने की हमें क्षमता है, तो हमें क्षमता क्या है? 10 to 5 होम टू होम। ये जो रूल है ना हमारे कलकत्ते का कोलकाता वहां का रूल है कि 10 to 5 ये ऑफिस का टाइम है और 10 बजे फिर हम घर से निकलेंगे और 5 बजे घर पहुंचेंगे, क्योंकि ऑफिस में हम अपने प्राइवेट टाइम में क्यों काम करें? तो ऑफिस में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं तो हम 10 बजे घर से 8 बजे घर से निकल के 10 बजे वहां नहीं पहुंचेंगे, 10 बजे घर से निकल करके 12 बजे पहुंचेंगे। व्हाई शुड वी वर्क बियॉन्ड ऑफिस आवर्स? नारायणा, तो ऐसे जो शूद्र बुद्धि वाले उनके लिए शूद्र कहेंगे। अच्छा महाराज, इसके पश्चात आप स्त्री के धर्म बताते हैं और ये धर्म आप किसी को पसंद नहीं आएंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पढ़ रहा हूं। इस समय जब पढ़ूंगा ना तो सभी पति महात्मा लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे सुनो सुनो, इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार है। स्त्री नाम च पति देवानाम तुश्रूषा अनुकूलता तद बंधुषु अनुवृत्तिश्च नित्यम तद व्रत धारणम। अब देखो, पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को माने अपनी सास को, ससुर को और ननन को, जेठ को, दीर को, जो भी है उनको प्रसन्न रखना, पति के नियमों की रक्षा करना और पति को ईश्वर मानना असंभव। इसमें से एक भी हम पर लागू नहीं होता। हाँ, आगे चलो, डिलीट। अच्छा, वो आगे कहते हैं सम्मार्जन लो सम्मार्जन उपलेपाभ्याम गृह मंडल वर्तन ही स्वयं च मंडिता नित्यम परिमिष्ट परिच्छिदाः। और अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, अपने देह को साफ रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन करके हमेशा ठीक से साफ सुथरे रहने चाहिए, और पत्नी के पति की जो छोटी मोटी इच्छा होती है समय के अनुसार पूर्ण करना चाहिए। विनय इंद्रिय संयम सत्य और प्रिय वचनों से पति देव की सेवा करनी चाहिए, जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, अनेक वस्तुओं को मांग करके उस पति को बिचारे को दुखी नहीं करना चाहिए। इसे देखो, हम पति के लिए बिचारा का शब्द कहते हैं, हमने पत्नी के लिए कभी बिचारों का शब्द नहीं कहा। अच्छा, उसके बाद यदि हमेशा सत्य बोले, प्रिय बोले, सावधानी से कार्य करे, पतिव्रता प्रेम से रह करके यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। देखो कितनी महत्व की बात है। तो पतिव्रता स्त्री के लिए ये जो बताया है उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि पति भी उसी लायक हो। आपने तो सब बदल ही दिया चेहरा। देखो, जब व्यक्ति अपने जीवन में आदर मांगता है ना तो वो डिजर्व नहीं करता। जहां जहां हम आदर की मांग करते हैं तब हम में कुछ नहीं होता। वेन एवर रिस्पेक्ट इज डिमांडेड वी डोंट कमांड, और ऐसे व्यक्ति जीवन में दुखी रहते हैं। जीवन ऐसा हो कि अपने आप अगले वाले के मन में आदर की भावना जागृत हो जाए, और यदि हम ऐसा न करें, अब हम में कुछ है ही नहीं तो कोई अपना आदर कैसा करेगा? जैसे कई माता पिताओं का यही एक प्रॉब्लम है, स्वामी जी बच्चे हमारी बात मानते नहीं। वो क्यों नहीं मानती इस पर तो विचार करो।
वो इसलिए नहीं मानते कि हम में कोई ऐसी बात है क्या कि जिसको लेकर के बच्चे के मन में ऐसा आदर भाव निर्माण हो जाए, और जब हमारे व्यवहार से हमारे जीवन से यदि ऐसा उनके मन में आदर भाव निर्माण हो जाए तो क्यों नहीं वो हमारी बात मानेंगे। ना तो हम में संयम है, ना तो हम में शांति है, ना तो हम में धैर्य है, हमेशा क्रोध में रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, कटवा चलता रहेगा, दूसरे की मानेंगे नहीं, अपनी ही मनवाएंगे। ऐसा जब बच्चों ने जिंदगी में देखा है और ऐसे माँ बाप चाहते हैं कि देखो स्वामी जी कलयुग आ गया है, बच्चे मानते नहीं, ऐसी बात जब एक माँ बाप ने कही तो दूसरी बात मैं आपको सुनाऊं। एक बच्चे ने मुझे ऐसे ही कहा, स्वामी जी कलयुग आ गया। बोला तुम अभी 10 साल के हो, तुमको कलयुग आ गया कि क्या बात आ गई। बोले स्वामी जी मुझे सब मालूम है, कलयुग आ गया है। बोले कैसे कलयुग आ गया? आजकल माँ बाप हमारी बात मानते नहीं। हमने कहा इसके लिए कोई अब दृष्टांत दे दो, जब सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है तो दृष्टांत से समर्थन होना चाहिए। बोले देखो पहले जमाने में दुर्योधन जो बात कहता था धृतराष्ट्र मानते थे, वो द्वापर युग था, आजकल कलयुग आ गया है, कोई माँ बाप हमारी बात मानते नहीं। इसलिए यह जो पति का पत्नी का जो धर्म है इसमें एक दूसरे के प्रति आदर हो, और इसमें पत्नियों के लिए सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है, अपने जीवन की जिम्मेदारी पति नाम के प्राणी के ऊपर डाल करके मस्त रहो ना। ये पति नाम का प्राणी इसीलिए प्रभु ने निर्माण नहीं किया, ये तो मनुष्य की निर्मिति है। भगवान ने तो आदमी निर्माण किया, पति तो मनुष्य की निर्मिति है। तो छोटी छोटी बातों में खटखट खट करते रहना, घर में अशांति होना और अपनी ही जिद मरवाना, इसमें कुछ मतलब नहीं है। ध्यान रखो जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है, संतोष से युक्त रहती है, शांत रहती है, उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर की स्त्री हमेशा झगड़ा क्रोध छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमेशा पति का बच्चों के सामने अनादर करना, इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। आपको अनादर करना ही है तो कमरे में ले जाओ, पिटाई करो, लेकिन भैया दूसरों के सामने आदर करना बहुत आवश्यक है। ये जो आप लोगों का कमरा होता है ना, ये हमारे मास्टर बेडरूम, उसमें मास्टर कौन है अभी तक पता नहीं चला। तो वो मास्टर बेडरूम इसलिए होती है कि वहां जाकर के कुरुक्षेत्र का चित्र पूरा कर लो, लेकिन जब बाहर आते हो तो एक व्यक्तित्व होकर के समझो। वहां झगड़े के बाद ये निर्णय हो गया कि पति ने जो कहा है वो करना है, तो बाहर आने के बाद पत्नी ने पति का विरोध नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, नहीं तो बच्चे बड़े चालू है, अपनी ही बात मनवाने के लिए फिर पापा के पास जाएंगे, मम्मी के बारे में कहेंगे डैडी कुंड यू फाइंड समवन बेटर। फिर डैडी को लगता है कि चलो बच्चे ने तो समझ लिया कम से कम मेरे, अच्छा बेटा क्या कहना है, मुझे वहां जाना था पिक्चर के लिए, चले जाओ, कितना पैसा है 200 रुपए, 500 ले जाओ गो, क्योंकि मेरी तारीफ हो गई, मेरे दुश्मन की निंदा हो गई। और फिर कुछ काम मम्मी से निकालना हो, मम्मी के पास जाएंगे कि मम्मी आई ऑलवेज फील पीटी ऑन यू, कितना तुम कष्ट सहती हो। अब आपको कुछ समझ भी नहीं आता, एकदम गंगा यमुना सरस्वती शुरू, बेटा अब क्या करें, हिंदू धर्म में पैदा हुए ना, तो फिर क्या करोगे, मैंने निर्णय कर लिया है करवा चौथ अगले 7 जन्म में देख लूंगी। देखो पति पत्नी का जो व्यक्तित्व है बच्चों के सामने एक होकर के अभिव्यक्त होना चाहिए।
तब जाकर के बच्चे माँ बाप की मानेंगे। जहां बच्चों के सामने एक दूसरे के प्रति हीनता की भावना पति पत्नियों ने की, तो बच्चों के मन में कभी आदर नहीं होगा। अच्छा महाराज, उसके बाद कहते हैं कि इन सभी प्रकार के ये जो वर्णाश्रम धर्म के स्त्री धर्म का जो हमको वर्णन बताया है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है वृत्त्या स्वभाव कृतया वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभाव जम कर्म शनि निर्गुणतामियात। इन सभी धर्मों का जीवन में अनुष्ठान करने का मूल प्रयोजन ये है कि जिसके द्वारा हम अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और तीन गुणों के ऊपर उठने का प्रयत्न करें। जैसे दवाई खाने का तात्पर्य क्या है कि पहले उन रोग जंतु का नाश करें और फिर नाश होने के बाद वो दवाई भी अपने देह से निकल जावे। उसी प्रकार से ये जितना वर्णाश्रम धर्म की इत्यादि बातें करी है, इसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद फिर ना तो हम ब्राह्मण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, क्योंकि अब हमारा मन केवल परमात्मा में लगा है। तो ये वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म के द्वारा हम अपने को भगवान के भक्त बनाने की लायकी निर्माण करते हैं। और एक बार हमने वर्णाश्रम के माध्यम से सनातन धर्म के माध्यम से अपने को पवित्र बना लिया, अपने को अधिकारी बना लिया, तब जाकर के भगवान के भक्ति का आनंद क्या है समझ में आता है। और इसी के बाद हम तीन गुणों के ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए यदि हम इन वर्णाश्रम धर्मों का जीवन में नियम से पालन करेंगे तो धीरे 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 हमारे अंतःकरण में शुद्धि आएगी, संयम आएगा और हम बहिर्मुखी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से हम इस वर्णाश्रम धर्म का तात्पर्य अंतःकरण को शुद्ध करके परमात्मा के प्राप्ति में सक्षम बने, जीवन को नियम से चलावे, इसके लिए बताया है। जगत में समाज में भेद और द्वेष निर्माण करने के लिए इसका प्रयोजन नहीं है। और ये बात जब तक के हम लोगों के समझ में नहीं आएगी, तब तक के ये झगड़ा हमेशा चलता ही रहेगा, इसको कोई मदद नहीं कर सकता। इसके पश्चात अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करने के पहले इस 11वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसको भी पढ़ना आवश्यक है। उसमें कहते हैं यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यद अन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। जो ब्राह्मण इत्यादि लक्षण बताए गए, वो सभी के सभी लक्षण यदि दूसरे वर्ण के व्यक्ति में मिले तो उनको भी उसी लक्षण के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। माने कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई शूद्र जाति का हो, कोई पापी हो, किसी के माँ बाप का पता नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसमें ब्राह्मण के सभी लक्षण दिखते हैं तो उसको ब्राह्मण के रूप में हमने स्वीकार करना है। देखो कितनी महत्व की बात है। और इसीलिए ये जो वर्णन आया है, ये वर्णन लोगों में भेद और द्वेष करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को समझने के लिए वर्णन है और इसी के द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। अब इसके बाद 12वें अध्याय में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम बताते हैं। इसमें पहले ब्रह्मचारी के जो नियम है, कहते हैं ब्रह्मचारी गुरुकुले वसदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। कि ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में वास करे तो अपने सभी जीवन को नियंत्रित रखे, इंद्रियों को नियंत्रित रखे, अपने को गुरु से कनिष्ठ समझे और उनके हित के लिए कार्य करे। और अपनी जितने भी नियम है, रोज की स्नान, संध्या, अध्ययन, घर के वो वहाँ आश्रम की सेवा, सब कुछ करता रहे। भिक्षा मांग कर लावे, गुरु को अर्पण करे, उन्होंने दिया तो खाए, ना तो उपवास करे। जो जो अपने को सिखाया है उसको जीवन में ले आए, श्रद्धा रखे, इंद्रियों को वश में रखे और अपने आप को स्त्री व्यवहारों से हमेशा दूर रखे, क्योंकि
इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति अपि यतेहे मनः, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रमाथी है कि कितने भी प्रयत्न पूर्व साधन करने के बाद भी मन को खींच लेती है। उसके पश्चात उन्होंने बताया कि कभी भी ब्रह्मचारी स्त्री के संपर्क में ना रहे। यहाँ तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य जब तक अपने को देह मानता है तब तक के अपनी लड़की भी क्यों न हो उसके साथ हमेशा दूर से ही व्यवहार करे। यहाँ तक यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है क्योंकि यह देह और अपना मन इसका कोई भरोसा नहीं है, इसी से हम अपने आप को बचा सकते दूर रखे। उसके बाद सन्यासी और गृहस्थ के लिए भी यही नियम है, और यदि ब्रह्मचारी ने अपनी अध्ययन इत्यादि पूरा कर लिया तो उसके पश्चात चाहे तो वो सन्यास आश्रम में प्रवेश करे गुरु के आज्ञानुसार, नहीं तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और वहाँ अपने जीवन में सभी प्रकार का शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि चलता रहे। ये सभी की सभी बातें यहाँ आप पढ़ लेना कि जैसे अपने आप को ज़्यादा मेकअप ना करे, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करे और आंखों में सुरमा, बालों में तेल, अनेक प्रकार के क्या कहते हैं स्प्रे इत्यादि, मांस मच्छी खाना, अनेक प्रकार के इत्र लगाना, चंदन लगाना, आभूषण करना, ये सभी की सभी बातें साधक के जीवन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे और फिर जैसे अपनी क्षमता हो या तो गृहस्थाश्रम या तो संन्यासाश्रम में प्रवेश करे और सभी में अपने परमात्मा को दर्शन करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी विज्ञान संपन्न होकर के परमात्म तत्व का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार से इस सभी के सभी जो गुणधर्म बताए हैं इसके द्वारा एक ही बात सिद्ध होती है, हमको अपने को अपने आप से बचाना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, यही हमारा मन हमारा बंधु है या हमारा रिपु है शत्रु है, यदि वो हमारे नियंत्रण में न रहे। और इसीलिए अपने आप को बचा के रखने के लिए इन सभी नियमों को स्वयं होकर के स्वीकार करें, तब जाकर के जीवन ठीक चलता है। अब जो वानप्रस्थ लोग हैं उनके लिए बताते हैं। वानप्रस्थ का तात्पर्य आजकल के जीवन में ही समझ ले कि एक बार हम अपने सर्विस से समझ लो या बिजनेस से समझ लो रिटायर हो गए। रिटायर कब होंगे? जब बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदी हो गई, अब बहुत हो गया दुनियादारी, अब उसे एक बार रिटायर होने के बाद फिर हम वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और इसका आचरण क्या क्या है ये बताते हैं कि पहले तो अपना खाने का जो स्वभाव है उससे अपने आप को बचावे। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद व्यक्ति के जीवन में खाने का बड़ा लालच हो जाती है, अमुक प्रकार का खाना चाहिए ही चाहिए, ये बताने के लिए यहाँ उन्होंने बताया, बड़े कठिन शब्दों में बताया है। कहते हैं कि भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल गेहूं अन्न खाने नहीं चाहिए, उसके बाद बिना जोते हुए अन्न भी पैदा असमय में पका हो तो नहीं खाना चाहिए, आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाना चाहिए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंदमूल फल आदि का सेवन करें, जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु पुरुषा का हवन करें, जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिले तो पहले का इकट्ठा किया है उसका त्याग कर दे, अग्निहोत्र की रक्षा के लिए पर्णकुटी या घर बनवा करके या पहाड़ के गुफा में रहे, स्वयं शीत वायु अग्नि वर्षा और घाम का सहन करे, सिर पर जटा धारण करे, केश रोम नख दाढ़ी मूछ इत्यादि न कटवाए, शरीर के मैल को भी न हटावे, कमंडलों मृग चर्म दंड वलकल वस्त्र अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखे। विचारवान पुरुषों को चाहिए कि यह 12-8-4-2 या 1 वर्ष तक आश्रम के वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे, पानी जिंदगी भर नहीं करना, ये करके देखो 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल, इतना भी नहीं हुआ तो कम से कम साल में 4-6-8 दिन अकेले चले जाओ, पति पत्नी साथ में जब तीर्थ क्षेत्र को जाते हैं तो वहां जाकर के जो घर में हो रहा है वही वो होता है,
वही पति की चाय की चिंता पत्नी को पड़ी हुई है या वैसी वर्षा जैसी कंडीशन हो, और फिर जहां जाना है वहां जाना है, पत्नी कहती है मुझे वहां सत्संग में मजा आ रहा, सत्संग में मुझे नहीं वहां अच्छा लगा, चलो हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं। वहीं जाकर के यही करना है तो फिर जाने की आवश्यकता क्या है। इसीलिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो साल में 8 दिन के लिए अकेले जाकर के रहो, और वहां भी जाकर के ऐसे नहीं कि बहुत बड़े महात्मा बनकर के गए, एक अत्यंत साधारण एकदम निष्किंचन व्यक्ति के जैसे वहां चले जाए और एकदम साधारण जीवन जिए, और उस समय देखे कि हमारी जगत के वस्तुओं पर व्यक्तियों पर कितना अवलंबन है। और सबसे बड़ी मुश्किल होती है गृहस्थों को अपने बच्चों के प्रति जो आसक्ति है वो उनको जिंदगी के आखिरी दम तक परेशान करती है। ऐसे ऐसे मां बाप के चित्र जगत में नजर आते हैं। बच्चे हमको बड़े परेशान करते, स्वामी जी वो सुनते नहीं, कितने हैं आपके बच्चे, कितने बड़े हैं, हमारी लड़की है 55 साल की। अब 55 साल की लड़की अभी भी आपकी बात माने, उसको जीने दो ना, हमेशा उसको पकड़े रखे। इस जगत में केवल परमात्मा अपना है, मात सखा बंधु सखा, अपना नहीं कोई। और इसको सीखने के लिए ये सब तपस्या है, वानप्रस्थ आश्रम। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके जितना हमने दूसरों पर आधारित रह करके जीने का अभ्यास कर लिया था, उससे हटा करके अपने आप को स्वतंत्र बनावे। एक बार केदारेश्वर में हमने, हमारे साथ काफी 7-8 कपल थे, 60 नॉट आउट, तो उनकी हमने फिर से शादी करवा दी वहां। तो जब शादी करवा दी तो सेकंड मैरिज विद द सेम पार्टनर, तो उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी अभी शादी के बाद अब इसका मतलब क्या है। हमने कहा मतलब ये है, यदि आपके घर में आज तक के पति हिटलर था और पत्नी बिचारी थी, तो आज के बाद पत्नी हिटलरी बनेगी और पति बिचारा बनेगा। रियली स्वामी जी, सभी के सभी खुश हो गए। बोले इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपने जीवन में परावलंबन को छोड़ दो, वानप्रस्थ में आकर के किसी से कोई सेवा नहीं लेनी चाहिए, ये व्रत होता है। नहीं तो बाहर से आए, हम देखते कितने घरों में, एक अम्मा ने मुझे कहा, काफी बड़ी है और उनके पति भी काफी पढ़े लिखे अच्छे हैं, बोले स्वामी जी ये बात मुझे आज तक समझ भी नहीं आई। ना क्या बोले, ऐसी नहीं कि मेरे पति जब आते मेरे से बात करें, कुछ नहीं, सिर्फ आकर के मेरा नाम, अमुक है क्या घर में, हाँ है, मैं कहा मैं इधर कपड़े धो रही हूं, ठीक है बस, बाकी एक शब्द नहीं बोलेंगे। और यदि मैं घर में नहीं रही जब वो आते हैं, उसके बाद घरों में एकदम तूफान हो जाता है। ये जो परावलंबन है ना, कोई चाहिए, और इसमें पुरुष जितने वीक होते हैं उतनी स्त्रियां वीक नहीं होती, स्त्रियों में आत्मबल ज्यादा होता है, पुरुषों में आत्मबल की बड़ी कमी है, क्योंकि हमेशा परावलंबन से रहते हैं। तो ये वानप्रस्थ के द्वारा इस परावलंबन का त्याग करना, यही हमको सीखना है। उसके पश्चात जो लय की प्रक्रिया है ध्यान की, और बाकी का जो विषय है उसको हम कर लेंगे। अब यहां समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।